शनिवार को यानी आज पूरे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। गौरतलब है कि आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती थी। इस मौके पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राजधानी पटना स्थित पार्टी कार्यालय में गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती समारोह का आयोजन किया। समारोह में कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा सहित कई गणमान्य लोग शामिल थे। मदन मोहन झा और अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को तैलचित्र पर पुष्प अर्पित की, साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर मदन मोहन झा ने नीति आयोग के रिपोर्ट पर बोलते हुए कहा कि यह बिहार के लिए अच्छा संकेत नहीं है, बिहार नीचे जा रहा है जो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि इसे सुधारने की जरूरत है, जो बिहार से ज्यादा पिछड़े राज्य है उनका रिपोर्ट हमसे अच्छा है। झा ने कहा कि सरकार को इस पर काम करनी चाहिए। कर सकते हैं, लेकिन आपको तो पता है जो रिपोर्ट है नीति आयोग की, हम समझते हैं यह बिहार के लिए अच्छी परंपरा। जो पिछड़ा राज्य है, जिसको हम पिछड़ा करते हैं, हम लोग का है 6, और जो हमसे भी पिछड़ा है उसका है 9। तो हम समझते हैं जो जिस तरह से नीचे की ओर बिहार जा रहा है, यह बिहार के लिए शुभ संकेत नहीं है, और इसको कंडेम करने की आवश्यकता नहीं है। इसको हमारे जो सरकारी तंत्र भी हैं या सरकार हैं, उसको इसको इम्प्रूव करने का प्रयास करना चाहिए, न कि हम लोग कंडेम करें वो अपना बड़ाई करें। किस तरह से ये सुधरेगा, इसके ओर प्रयास करना चाहिए। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।